अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू रोबोट इन्फॉर्मेटिक्स विद एमके। आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम प्रोटीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे फाइंड करते हैं, जिसे हम पेजोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो गाइस, हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके हेल्प के थ्रू जो है, हम इस प्रोटीन की केमिकल और फिजिकल प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो आसानी से ले सकते हैं। अब प्रोटीन के फिजिकल और केमिकल कौन कौन से इंफॉर्मेशन होते हैं, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो जो प्रोटीन में हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, इसके वेट कितना होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास पोर्टफेरम की हेल्प से हम हासिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम के पोर्टफेरम जो है हमारे पास कैसे यूज़ होते हैं और उसके रिज़ल्ट हम फिर वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हर प्रोजेक्ट के लिए, हर डेटाबेस के लिए मोस्ट जो है ज़्यादातर हमारे पास जो है इसके लिए फास्टा सीक्वेंस या उसका एसेशन नंबर हमें चाहिए। पहले में भी मैंने बताया था कि बायोइनफॉर्मेटिक्स की फील्ड में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए या तो एसेशन नंबर हमें चाहिए होगा या हमारे पास हमें जो है वो प्रोटीन की फास्टा सीक्वेंस हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रोटीन की फास्टा सीक्वेंस लेते हैं। तो हम प्रोटीन की फास्टा सीक्वेंस यूनिप्रोट से लेते हैं। यूनिप्रोट में हम अपने प्रोटीन को नाम देते हैं CDK2। ये हमारे पास एक होमो सेपियंस प्रोटीन है। अब हमारे पास देखिए एक लिस्ट आई हुई है हमारे पास डिफरेंट CDK2 प्रोटीन में, कि हमारे पास ये प्रोटीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज में मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ह्यूमंस पे है, माउस रेट और बहुत सारी जो है वो स्पीशीज में मौजूद है, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमारे पास जो चाहिए वो है होमो सेपियंस की हमें चाहिए। तो हम इस एंट्री नंबर पे हम क्लिक करेंगे और इससे हम अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जैसा फंक्शन है। या पहले वीडियो में मैंने यूनिप्रोट को डिस्कस किया था कि हमने इसमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारा काम जो है फास्टा सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास, आप यहाँ पर देखें कि सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस में हम क्लिक करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है हमारे पास दूसरा फॉर्म में है, हम इसे फास्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर फास्टा पर क्लिक कर हमारे पास ये प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से उसे मार्क करके अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी के साथ और न्यू टैब पे हम जो है हमारा जो टूल्स है वो उसको हम ओपन करते हैं। और पर हमारे पास एक टूल्स है, एक एक्सपेस है कि ये एक लाइब्रेरी की टूल्स है हमारे पास और जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास उसका जो पहला पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ नोटिफाई ऑल द डेट यू मे फिल आउट वन ऑफ द फॉलोइंग फिल टाइम। हमारे पास इसमें या ये फिल होगा हमारे पास, या फास्टा सीक्वेंस आप या डालेंगे या एसेशन नंबर डालेंगे। जब आप दोनों को एंटर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसे अच्छा है कि हमारे पास या आप एंट्री नंबर डालें, एसेशन नंबर उसके डालें, या हमारे पास आप फास्टा सीक्वेंस इसमें एंटर करें। तो हमने ऑलरेडी फास्टा सीक्वेंस जो है वो कॉपी किया है। तो यहाँ पर हम अपने फास्टा सीक्वेंस को जो है वो पेस्ट करते हैं और कंप्यूट पैरामीटर पर क्लिक करते हैं। इससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटफेरम की जितना रिजल्ट है वो हमारे पास आए हैं। तो ये हमारे पास वो सीक्वेंस है जो जो हमने पेस्ट किया था, उस सीक्वेंस के हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स आए हुए हैं। अब एक एक चीज़ को हम जो है अभी वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर है हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि हमारे पास इस प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स कितने हैं, तो वो है 298 हमारे पास उसकी अमाइनो एसिड है। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास इसका कितना है, तो वो हमारे पास है जी 33,929.53 हमारे पास इस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे पास इतना है। फिर हमारे पास थ्योरेटिकल पीआई जो है हमारे पास 8.80 है हमारे पास। उसके बाद जब जैसा मैंने बताया कि हमारे पास हम ये भी इसमें ये कंपोजिशन भी बता सकते हैं माइनस के कि कितने एक माइनस एट कितने परसेंट है, जैसे कि आर्जिनिन है, स्पैरोजिन है, ग्लाइसिन है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ये है 6.4 है, 5.4 है, 2.7 है, 5.4 है। अब हमारे पास रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कौन सी चीज़ पे है, तो हम मोस्टली वो जो है वो उस रिजल्ट में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है, तो हम ये लिखेंगे कि हम आर्जिनिन हमारे पास 5.4% जो है इस प्रोटीन में मौजूद है।
तो इसी तरह इसी एलेनिन से लेकर और सीरीन तक हमारे पास ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं तो इसके हमारे पास परसेंटेज ये बताते हैं कि ये प्रोटीन इसमें इस प्रोटीन में ये इतने परसेंट पर मौजूद हैं। नीचे अगर हम आ जाए तो टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज रेसिड्यूज जो है हमारे पास कितने हैं, तो ये हमारे पास स्पायरोजीन और ग्लाइसिन में मौजूद है हमारे पास 33 जो है वो हमारे पास निगेटिव चार्ज ऑफ प्रोटीन जो है वो इसमें मौजूद रेसिड्यूज में जो निगेटिव चार्ज है वो मौजूद है। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज जो है हमारे पास जो है वो अर्जिनिन है और लाइसिन जो है वहाँ पास 37% जो है वो इसमें मौजूद है जो पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास नीचे अगर हम आ जाए तो हमारे पास एटॉमिक कंपोजिशन जो है वो हमारे पास उसमें कितने हैं, तो सबसे पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो वो हमारे पास जिससे हमारे पास प्रोटीन बनते हैं ये चारों चीज़ें से मिलकर हमारे पास एटॉमिक कंपोजिशन जो है प्रोटीन बनते हैं। तो अब प्रोटीन में ये कितने मेदार पे ये मौजूद है, कितना परसेंट जो है वो कितना मौजूद है कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो 1559 तक हमारे पास 1559 तक हमारे पास जो है इसमें कार्बन है, 2446 हमारे पास उसमें जो है वो हाइड्रोजन है और 408 हमारे पास इसके साथ जो है इस प्रोटीन में नाइट्रोजन है, 423 जो है हमारे पास उसमें ऑक्सीजन है और 8 जो है हमारे पास उसमें सल्फर है। अब इस प्रोटीन का हमारे पास जो फार्मूला है इस एटॉमिक कंपोजिशन तो वो ये है C1 5 H2 4 4 Na4 2 4, ये हमारे पास जो है हमारे पास इस प्रोटीन का फार्मूला है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस प्रोटीन में, तो ये हमारे पास 4844 जो है वो हमारे पास इस प्रोटीन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हमारे पास अब नीचे आ जाए तो ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत है तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन रिजल्ट्स है, मेन इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, थ्योरेटिकल पीआई होते हैं और एटॉमिक कंपोजिशन होते हैं, जैसा यहाँ तक जो है वो आपका रिजल्ट होते हैं। बाय द वे आपके इंफॉर्मेशन्स के लिए आप अगर आप उसे और डिस्कस करना चाहते हैं और जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसी तरह आप नीचे आ सकते हैं। इंस्टेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कंपोज है 32.25% जो है वो इस प्रोटीन में जो है वो स्टेबल है। अल्फाबेटिक इंडेक्स जो है वो 100% 100.74% जो है वो उसके इसमें मौजूद है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ही हमारे पास पोर्टफोलियो के सॉफ्टवेयर की जिसे हम प्रोटीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं और वो फिर हमने प्रोजेक्ट पे या रिसर्च पे जो है वो लिख सकते हैं इसका रिजल्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।